असम में बीते दिनों हुई लगातार भारी बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। देश के पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत के साथ ही कई इमारतों का भी नुकसान हुआ। जहां बाढ़ के कारण 21 लाख से ज़्यादा प्रभावित लोग हुए, वहीं असम में एक पुलिस स्टेशन बाढ़ के कारण ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। असम की बाढ़ भीषण तबाही मचा रही है। सोशल मीडिया पर असम के ज्यादातर जिलों में आई बाढ़ के कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिस स्टेशन को नदी में डूबते देखा जा रहा है। जानकारी मिल रही है बाढ़ के पानी सामने आने वाला है। ये पुलिस स्टेशन नालबड़ी जिले का है। बताया जा रहा है कि नदी के तेज बहाव से भंगानामारी थाना पूरी तरह से तबाह हो गया। नदी में डूबा पुलिस स्टेशन। जानकारी के अनुसार उफान पर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी के तट के लगातार हो रहे कटाव के कारण नलबाड़ी जिले में दो मंजिल पुलिस स्टेशन की इमारत का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न होने के बाद बाढ़ में समा गया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। असम में बाढ़ से बुरे हालात। वहीं बताया जा रहा है कि असम के कछार और उसके पड़ोसी करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में बाढ़ की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम के 28 जिलों में 21 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। कछार जिले के सिलचर शहर जैसे कई इलाके अभी भी जलमग्न है। वहीं असम में इस साल अप्रैल से अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 139 लोगों की मौत हो चुकी है।